हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एमिनोरिया। दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमिनोरिया को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमिनोरिया इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस एट 13 इयर्स ऑफ एज। यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम पे या 12 टू 13 इयर्स ऑफ एज पे गर्ल्स में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप हो जाते हैं। यदि 13 इयर्स ऑफ एज में कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए हैं या पीरियड्स नहीं आना स्टार्ट हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमिनोरिया। या फिर 15 इयर्स ऑफ एज है लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक तो डेवलप हो गए हैं लेकिन पीरियड्स आना स्टार्ट नहीं हुए, तो भी एमिनोरिया कहेंगे। तो 13 ईयर्स पे हम तब एमिनोरिया कहेंगे जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं तो हम 15 ईयर्स के बाद एमिनोरिया कहेंगे यदि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए। अब प्राइमरी एमिनोरिया सेकेंडरी एमिनोरिया इसको टू में डिवाइड किया गया। प्राइमरी एमिनोरिया इज नो पीरियड्स एवर, कभी अभी तक कोई पीरियड्स नहीं आए हैं तो हम प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे। सेकेंडरी एमिनोरिया जिसमें कि पहले उस लेडी को पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए थे, नॉर्मली पीरियड्स आ रहे थे लेकिन अभी 3 साइकिल हो गई हैं, पीरियड्स नहीं आए हैं या 6 मंथ्स हो गए हैं जब पीरियड नहीं आए, तो हम उस ऐसी कंडीशन को हम सेकेंडरी एमिनोरिया। अब प्राइमरी एमिनोरिया या सेकेंडरी एमिनोरिया दोनों को ही कॉज के अनुसार फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एमिनोरिया के भी फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं और पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं, सेकेंडरी एमिनोरिया के भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल प्राइमरी एमिनोरिया के क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो फिजियोलॉजिकली है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, पैथोलॉजिकल नहीं है जब प्यूबर्टी के पहले 13 ईयर्स के पहले या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए हैं, तो 15 इयर्स के पहले यदि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल है। तो प्यूबर्टी के पहले 12 13 इयर्स के पहले कोई पीरियड्स नहीं आ रहे। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि उसको कोई भी प्रिवेलिंग डिजीज नहीं है, अंडरलाइंग डिजीज नहीं है, लेकिन अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। मे बी उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें भी लेट आना स्टार्ट होते थे पीरियड्स उसकी मदर को, उसकी सिस्टर को। कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं है तो उसको भी हम फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया कहेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज। अब पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया, व्हेन मेंस्ट्रुएशन डज नॉट स्टार्ट टिल 18 इयर्स ऑफ एज ड्यू टू सम प्रिवेलिंग डिजीज। अब 18 इयर्स तक भी स्टार्ट नहीं हुए हैं मेंस्ट्रुएशन क्योंकि कुछ अंडरलाइन डिजीज है, या तो कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, या कोई जेनेटिक कॉज है। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जैसे कि यूट्रस है तो एब्सेंस ऑफ यूट्रस है, यूट्रस नहीं बना हुआ है, या वेजाइना नहीं बनी हुई है, इम्परफोरेट हाइमन है। यूट्रस और वेजाइना तो है लेकिन अभी जो हाइमन है उसमें परफोरेशन नहीं है, इम्परफोरेट हाइमन है, या फिर वेजाइना में एक सेप्टम है, ट्रांस वेजाइनल सेप्टम। तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से भी एमिनोरिया हो सकता है, प्राइमरी एमिनोरिया। अब जेनेटिक डिफेक्ट जैसे कि कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, टर्नर सिंड्रोम या कैलमान सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं, जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, बाहर बॉडी जीरो होती है, एक्सो होता है कैरियोटाइप, या कैलमान सिंड्रोम जब ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन या GnRH रिलीजिंग हार्मोन में कुछ न्यूरॉन में कुछ डिफेक्ट हो जाए। ये हो गया प्राइमरी एमिनोरिया के कॉजेस, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में हो गया कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट और जेनेटिक डिफेक्ट, फिजियोलॉजिकल में बिफोर प्यूबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो सकते। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया की बात करें, जब पहले तो पीरियड्स आ रहे थे, नॉर्मली आ रहे थे लेकिन 3 साइकिल्स तक या 6 मंथ्स तक अभी तक पीरियड नहीं आए, दैट इज सेकेंडरी एमिनोरिया। अगेन इसको डिवाइड किया गया फिजियोलॉजिकल कॉजेज और पैथोलॉजिकल कॉजेज में। फिजियोलॉजिकल कब हो सकता है सेकेंडरी एमिनोरिया? जब हमें कुछ भी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन की करने की जरूरत नहीं हो, जैसे कि पेरीप्यूबर्टल डिसऑर्डर। यदि प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, मेनार्की हुई है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है और उसके बाद कुछ साइकिल कुछ महीनों तक उसको पीरियड्स नहीं आए, मान लो उसको फेब्रुअरी में पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, पहली बार आया था, उसके बाद उसको 3-4 मंथ्स या 1 ईयर तक पीरियड नहीं आया और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जाके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो वो भी फिजियोलॉजिकल है क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ एनुवेलिटरी प्रोसेस होती है, कई बार पीरियड्स नहीं आते हैं और फिर 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद पीरियड्स आते हैं और फिर वो नॉर्मली चलते हैं। तो फर्स्ट 1 to 2 ईयर्स ऑफ मेनार्की पेरीप्यूबर्टल कंडीशन में फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया होता है।
प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमिनोरिया। तो कभी भी यदि कोई लेडी है जिसको पहले मेंस्ट्रुएशन आता था, नॉर्मल था, और अब एमिनोरिया की स्थिति रही, तो हम सबसे पहले उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि सिंपल सी प्रोसीजर है, किट लगानी होती है और इससे हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि कॉमन कॉज है। देन लैक्टेशन, लैक्टेशन अगेन इज अ कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमिनोरिया। लैक्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यदि ज्यादा है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है ब्लड में, तो ये क्या करता है, जीएनआरएच को इनहिबिट करेगा। जीएनआरएच नहीं होगा तो एफएसएचएलएच नहीं होंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे, तो ओविलेशन नहीं होगा, एलएच सर्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको हम नाम दिया गया लैक्टेशनल एमिनोरिया। यदि लेडी प्रॉपर लैक्टेशन करती है, प्रॉपर फीडिंग कराती है, तो उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल हाई बना हुआ होता है, तो उसमें उतने पीरियड तक, यदि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उतने पीरियड तक उसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता, उस पीरियड को हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। और जनरली हम ये भी कहते हैं कि लैक्टेशनल एमिनोरिया जो कॉन्ट्रासेप्शन का एक नेचुरल अच्छी प्रोसीजर है, ये कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है, दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। देन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम एग्जाम गोइंग होते हैं या हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, तब या तो पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाता है, या उसमें कम ब्लीडिंग होती है, डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि पीरियड्स उस टाइम पे आना बंद हो जाए, कुछ लोगों के एग्जाम टाइम पे या स्ट्रेस के टाइम पे पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो अगेन इमोशनल डिस्टर्बेंसेज इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया, क्योंकि साइकोलॉजिकल जब भी कोई ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस होता है, तो जो लिम्बिक हाइपोथैलेमिक कनेक्शन होता है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेज होते हैं, मे बी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का रिलीज जो है वो कम हो जाता है। देन नेक्स्ट कॉज इज चेंजेस इन एनवायरमेंट। आपने देखा होगा कि यदि कोई एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जाता है, ऐसी कंट्री में जाता है जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है, या फिर कोई एक्सट्रीम हीट वाली कंडीशन में जाता है, तो सडन एक्सपोजर टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो कॉजेज सेकेंडरी एमिनोरिया। उससे भी हमारे मेंस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंस होते हैं। देन मेनोपॉज, एवरीबडी नोज मेनोपॉज इज अ नेचुरल और फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ द एमिनोरिया। एक पीरियड के बाद जो 45 to 60 इयर्स ऑफ एज के बीच में फीमेल में मेनोपॉज आता है, जब ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है और पीरियड्स आना सीज हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया है पेरिपिबल्टर डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी इज अ मोस्ट कॉमन कॉज, देन लैक्टेशन इज अ कॉमन कॉज, देन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, चेंजेस इन एनवायरमेंट एंड मेनोपॉज। दीज आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया। नाउ व्हाट आर द पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के बारे में, फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस के बारे में कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का रिलीज होता है, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच एफएसएच का रिलीज कराता है, एलएच एफएसएच ओवरी पे काम करते हैं और ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, देन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यूट्रस में काम करते हैं प्रोलिफरेशन। तो यदि इस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस में कोई भी डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि मेंस्ट्रुएशन अफेक्ट हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, तो हम सबसे पहले नंबर वन कॉज की बात करते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया का, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। यदि कोई लेडी है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है, आपने देखा होगा कि जो भी लेडी है यदि वो WWF में है, कुछ बहुत सीवियर एक्सरसाइज करती है, एथलीट्स हैं, तो उनमें जो है वो हाइपोथैलेमिक जीएनआरएच रिलीज कम हो जाता है, उनमें एमिनोरिया मिलेगा, उनमें पीरियड्स आना बंद हो जाता है। यदि वेट लॉस हो रहा है क्रोनिक डिजीज की वजह से, टीबी की वजह से, या स्ट्रेस की कंडीशन है, उसमें भी जीएनआरएच रिलीज हाइपोथैलेमस से कम हो जाता है, या फिर कोई लीजन है, ट्यूमर हो गया है, ग्लायोमा है, कोई हेड इंजरी है, कैलमान सिंड्रोम है जिसमें जीएनआरएच रिलीजिंग न्यूरॉन्स में डिफेक्ट होता है, तो जीएनआरएच कम हो जाता है। इन सारी कंडीशन में जीएनआरएच रिलीज कम होने से फर्दर एक्सेस इफेक्ट होता है और मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता। देन हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, पिट्यूटरी डिफेक्ट की बात करें, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म, यदि पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज LHFSH कम हो जाएंगे, पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, या एडिनोमा होगा उस कंडीशन में, LHFSH कम हो जाता है। इसके अलावा एक शिहान सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है शिहान सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि यदि फीमेल में पोस्टपार्टम
या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यदि सीवियर हेमरेज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है, उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती, इतना ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें इश्मिक नेक्रोसिस हो जाती है. तो पोस्टपार्टम इश्मिक नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ड्यू टू सीवियर हेमरेज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉजेस डिक्रीज एलएच एफएसएच, दैट इज नोन एज शीहान सिंड्रोम. नेक्स्ट है साइमन सिंड्रोम. साइमन सिंड्रोम में क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एलएचएफएसएच नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं हो पाए. देन ओवेरियन डिसऑर्डर. ओवेरियन डिसऑर्डर यदि ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन में डिफेक्ट है, जिसमें एलएचएफएसएच तो प्रॉपर है, पिट्यूटरी एक्सिस तो नॉर्मल है, लेकिन एलएचएफएसएच बढ़े हुए हैं लेकिन ओवरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है एलएचएफएसएच इंक्रीज होने का, दैट इज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर. जनरली ओवेरियन फेलियर होता है मेनोपॉज की कंडीशन में, लेकिन यदि उसके पहले ही प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है, ओवेरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, अपने हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, तो भी सेकेंडरी एमिनोरिया का कॉज होगा. देन स्टीन लेवेंसन सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. यदि ओवरी में बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है, तो भी ओवेरियन हार्मोन में कुछ डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाएगा. देन हम बात करते हैं यूटराइन कॉजेस की. यदि कॉन्जेनाइटली अंडर डेवलप्ड यूट्रस है, या कुछ एंडोमेट्रियम में इन्फेक्टिव या नॉन इन्फेक्टिव एंडोमेट्राइटिस है, ऐसे कंडीशन में भी एमिनोरिया हो जाएगा. एक होता है एशरमैन सिंड्रोम. यदि कुछ चाइल्ड बर्थ हुआ या एबॉर्शन की कंडीशन है, तो डीएनसी करी गई उस फीमेल की, तो उसमें हम क्या करते हैं, डीएनसी इज अ डायलिटेशन इन क्यूरेटाज. एबॉर्शन के बाद फीमेल में डीएनसी करते हैं, तो हम क्यूरेटाज करके कुछ एंडोमेट्रियम को वहां से रिमूव करते हैं. तो यदि इतनी ज्यादा क्यूरेटाइज हो जाती है, तो उसके ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि वहां पे कुछ एडिशंस बन जाते हैं. यहाँ से एंडोमेट्रियम को हमने रिमूव करी, तो यहाँ पे कुछ एडहेशन बन जाते हैं सराउंडिंग एरिया से, तो उसकी वजह से यूट्रस में प्रॉपर एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन और नहीं हो पाता है. इसको हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम. यदि प्रॉपर एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं प्रॉपर हो पाएगा. तो एशरमैन सिंड्रोम इज ड्यू टू द स्कारिंग ड्यू टू क्यूरेटेज. स्कारिंग हो जाती है वहां पे, एडिशन फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज एशरमैन सिंड्रोम. तो हमने सेकेंडरी एमिनोरिया के कॉजेस पढ़े, हाइपोथैलेमिक कॉज, एंटीरियर पिट्यूटरी कॉज, देन ओवेरियन कॉज, एंड देन यूटेराइन कॉजेस. अब नेक्स्ट है सिस्टमिक इलनेस. यदि कुछ सिस्टमिक डिजीज है, लाइक दो हार्मोन है, या तो हाइपोथायराइड हो, थायराइड में प्रॉब्लम हो, या प्रोलैक्टिन ज्यादा हो. तो यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, क्रोनिक हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें भी हम या तो ओलिगोमेनोरिया या एमिनोरिया देखने को मिलता है. देन क्रोनिक रीनल फेलियर, यदि सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, उसमें इरिथ्रोपोइटिन कम होगा, अच्छे से ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा, उस कंडीशन में भी एमिनोरिया मिलेगा. देन सिरोसिस ऑफ लिवर. कोई भी सिस्टमिक इलनेस है जिसमें पेशेंट केकेक्सिक है, माल नरिश है, ऐसी कंडीशन में भी एमिनोरिया हो जाता है. देन कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे फिनोथाइजिन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं. यदि हमें फीमेल एमिनोरिया की हिस्ट्री लेके आती है, तो हम उसमें हमेशा ड्रग्स की हिस्ट्री भी लेते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है जिसमें एंटीसाइकोटिक्स ले रही है, तो हमेशा हमें उनमें एंटीसाइकोटिक हिस्ट्री लेनी होती है. इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं जो आप आगे के ट्रॉप्स में डिटेल में पढ़ोगे, जिसकी वजह से एमिनोरिया हो सकता है. एक कॉमन होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, वो भी जीएनआरएच को, हाइपोथैलेमस, उसके रिलीज को कम करती है, जो कि फर्दर मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करती है. तो दीज आर दी कॉजेज ऑफ एमिनोरिया, प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया. इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दी हाउ कैन आई डायग्नोज द कंडीशन और कॉजेज ऑफ द एमिनोरिया. अभी हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि यदि हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में हम सिक्वेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं एफएसएच एलएच का, या यहाँ पे हाइपोथैलेमिक कंडीशन है, तो हम पल्सेटाइल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं जीएनआरएच एगोनिस्ट का. यहाँ पे सिक्वेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एलएचएफएसएच का. यदि
यूटराइन कुछ कॉजेज है तो हम करेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी कंडीशन है जैसे कि ट्यूमर है, एडिनोमा है पिट्यूटरी का, तो हम सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं जैसे कि एमिनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोमिफीन होता है। क्लोमिफीन क्या होता है कि यदि ईस्ट्रोजन कम है, ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो क्लोमिफीन दे सकते हैं। क्लोमिफीन क्या करता है कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ईस्ट्रोजन एक्सेस हो जाएगी, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से एलएस सर जाने लगेगा और ओव्यूलेशन प्रॉपर होगा और प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा।